Hey guys, what's up? I'm Gulzar Ahmed, and today we are going to study limit of a function. Limit बहुत ही basic chapter है, बहुत ही fundamental, आगे आने वाले chapters में बहुत use होता है. इसके बिना आगे आने वाले chapters चलते ही नहीं है. ऐसा सारे chapters है, differentiability हो, continuity हो, और भी कुछ हो differential calculus का, तो वो इस पर बहुत depend करते हैं. So it is a basic chapter, you should study it anyhow. बहुत ही आसान भी है साथ ही साथ. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले x टेंड्स टू a का मतलब देख लेते हैं क्या होता है. x टेंड्स टू a इसका मतलब है कि x इज अराउंड a, a के आसपास है. This is a real number line, that is x-axis, and x is around a. X tends to a मतलब x जो है a के आसपास है. Suppose I made a circle, तो जो x है वो a के आसपास होगा, मतलब यहाँ पर होगा या यहाँ पर होगा. चाहे तो a से बड़ा हो सकता है, चाहे तो a से छोटा हो सकता है. Suppose x a से बड़ा हुआ तो ऐसे लिखेंगे x tends to a plus, मतलब a से जस्ट बड़ा है. a से छोटा हुआ तो x tends to a minus, मतलब a से जस्ट छोटा. अगर ये a है तो उसके बगल वाला बड़ा वाला पॉइंट डेट इज x plus, अगर ये है तो उसके लेफ्ट वाला पॉइंट डेट इज a minus. सिमिलरली अगर मैं बोलूँ x tends to 0, मतलब x जो है 0 के आसपास है. This is near real number line x-axis. This is y-axis. This point is 0. 0,0 actually. So x tends to 0 means क्या हो जाएगा? मतलब x is around 0. 0 के आसपास है. X हो सकता है यहाँ पर हो. X हो सकता है यहाँ पर हो. Means very close to 0. x tends to 0 means very close to 0. x tends to a मतलब very close to a. x is not a but x is very close to a. similarly x is very close to 0. तो x क्या हो सकता है? x मान लीजिए x अपने हिसाब से लिया जाए तो ये भी मान सकते हैं 0.000001 ये हो सकता है. सिमिलरली मैंने यहाँ पे बोला x tends to a plus, मतलब a से जस्ट बड़ा. यहाँ पर अगर 0 plus बोले तो क्या होगा? मतलब 0 से जस्ट बड़ा, that can be anything. मैं assume कर रहा हूँ 0.00001. सिमिलरली 0 minus क्या होगा? 0 मतलब 0 से जस्ट छोटा, तो ये मैं assume कर रहा हूँ 0.00001. 4 times 0 and 1. माइनस हो, मतलब ये नेगेटिव है, जीरो से जस्ट छोटा, सो जीरो माइनस. यहाँ से हम लोग एक चीज़ बता सकते हैं कि जीरो प्लस इज नथिंग बट माइनस ऑफ जीरो माइनस. या फिर ये भी बोल सकते हैं ए प्लस इज नथिंग बट माइनस ऑफ ए माइनस, मतलब अराउंड है, दैट इज ओके. अराउंड है तो ये कहना सही नहीं होगा, लेकिन ऊपर वाला कहना सही होगा. ये वाला कहना सही होगा, लेकिन वो वाला कहना सही नहीं होगा. वो अराउंड आएगा, आस पास में आएगा वैल्यू. सो दिस वाज नथिंग बट x टेंड्स टू a, मतलब टेंड्स टू a मतलब a नहीं है लेकिन a के आसपास है. सिमिलरली इनडिटर्मिनेट फॉर्म करके होता है, इन डेटर मिनेट फॉर्म, इनडिटर्मिनेट फॉर्म. अगर मैं एग्जांपल दूं एक्स स्क्वायर माइनस फोर डिवाइड बाई एक्स माइनस टू का, पुट एक्स इक्वल्स टू टू, यू विल गेट जीरो अपॉन जीरो. अगर एक्स दो डालिएगा तो ये जीरो बाई जीरो आएगा. सो आप यहाँ से देख भी सकते हैं कि x जो है डोमेन, टू जो है डोमेन में नहीं है. सो दिस इज नॉट
defined. This is not defined. But suppose if you will put 2 plus or 2 minus, क्या मतलब है? X tends to 2 आप डाल रहे हैं, या थे 2 से जस्ट बड़ा डाल रहे हैं तो 2 से, या 2 से जस्ट छोटा डाल रहे हैं, तब क्या बनेगा? ये बनेगा 0 plus by 0 plus. अगर 2 से जस्ट बड़ा डालेंगे तो ये 4 से जस्ट बड़ा होगा, ये 2 से जस्ट बड़ा होगा, तो 0 plus by 0 plus बनेगा. सिमिलरली 2 minus डालेंगे तो 0 minus by 0 minus बनेगा. तो मतलब 0 by 0 form बनेगा. कहने का ये मतलब है 0 by 0 form. यहाँ पर exact 0 थे, लेकिन यहाँ पर ये जो 2 0 हैं ये exact 0 नहीं है, ये या तो 0 plus है या 0 minus है. So that type of thing is known as indeterminate form. कितने total 7 types के होते हैं indeterminate form. इसको indeterminate form इसलिए कहते हैं, क्या है कि इसका answer अगर देखें तो 2 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, कुछ भी answer आ सकता है, हम लोग को पता नहीं है. That's why it is called indeterminate form. Total 7 types के indeterminate form होते हैं, that is 0 by 0, infinity by infinity, infinity minus infinity, infinity minus infinity, 0 into infinity, 1 raised to infinity, infinity raised to 0, 0 raised to 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. These are 7 types of indeterminate form. यहाँ पर एक मैं छोटा सा notes लिख देता हूँ. That is 0 and 1 are approaching values. मतलब 0 और 1 जो है exact नहीं है, ये जो है या तो just greater than 1 है या just lesser than 1, just greater than that value, like 0 is just greater than that value and 1 is greater than that value. तो ये आपके indeterminate form हो गया. So कुछ questions देख लेते हैं. You need to find which types of form it is. किस तरह के forms हैं ये सब? 1 minus x by 1 minus x square. Question number 2. Sin x raised to x. Question number 3. 1 plus sin x raised to 1 by x. And question number 4. 1 by x minus 1 by x square. First question mein x is tending to, x is first question में x is tending to 1, second question में, third question में, fourth question में x is tending to 0. You need to find which types of form it is. So first question में आप देखिए, x tends to 1, 1 के आसपास है. So I'll put 1 in this question, that will be 1 minus 1 divided by 1 minus 1 square, which is 0 by 0 form. So second question में अगर 0 डालेंगे, second question में अगर 0 डालेंगे, तो sin 0 raised to 0, which is 0 raised to 0 form. Third question में अगर 0 डालेंगे, तो 1 plus sin 0 raised to 1 by 0, मतलब 1 plus sin 0, 1 plus 0, 1 by 0 का मतलब infinity. 1 by 0 is not defined, लेकिन 1 by, ये 0 नहीं, ये exact 0 नहीं, this is approaching value, 0 के आस पास है, that's why 1 by 0 is infinity. Now, तो ये 1 raised to infinity वाला form हो गया. Now, fourth one is 1 by x minus 1 by x square, 1 by 0 minus 1 by 0 square. That will be infinity minus infinity. 1 by 0 is infinity and 1 by 0 square will be 1 by 0. That is again infinity.
तो ये फॉर्म हो गए, ऐसे बहुत सारे फॉर्म्स बनते हैं। लिमिट एक्चुअली होता क्या है? लिमिट हम लोगों ने कभी सुना होगा कि ग्राफ इज अप्रोचिंग द लिमिटिंग वैल्यू, मतलब उस वैल्यू के पे हो सकता है डिफाइन हो या नहीं हो, लेकिन उस वैल्यू के पास पहुंच रहा है, कहने का मतलब। सो अगर हम लोग एक ग्राफ लें, दिस इज वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एंड लेट से दिस पॉइंट इज एक्स वन एंड दिस पॉइंट इज एफ ऑफ एक्स वन। सो अगर मैं बोलूं लिमिट के बारे में, लिमिट एक्स टेंड्स टू एक्स वन एफ ऑफ एक्स, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि एफ एक्स की क्या वैल्यू होगी जब एक्स जो है एक्स वन के आसपास होगा। एक्स वन के आसपास का मतलब एक्स वन तो ये है, इसके जस्ट अराउंड, मतलब ये पॉइंट या ये पॉइंट, ये दोनों पॉइंट, तो क्या होगा एफ एक्स की वैल्यू? तो बहुत जब क्लोज होगा एक्स वन, ये जो ये पॉइंट, दिस पॉइंट will be very close to x1 and this left point will also be very close to x1, then f of that value will be same as f of x1। कहने का यह मतलब है कि जब x tends to x1, मतलब x1 के आसपास होगा, तो f of x will be same as f of x1। Limit x tends to x1, बस यही है और कुछ नहीं। यहाँ पर दो बातें आती है, x जो है x1 के आसपास है, या तो राइट में होगा या तो लेफ्ट में होगा, आसपास है तो। सो x कैन बी फ्रॉम दिस साइड हेयर, फ्रॉम हेयर x कैन अप्रोच फ्रॉम दिस साइड एंड फ्रॉम दिस साइड ऑल्सो, मीन्स x इज गोइंग क्लोजर एंड क्लोजर टू x1 from either by right side or either by left side। So यहाँ पर दो लिमिट की बात आ जाती है, मतलब दो वैल्यू की बात आ जाती है। अगर लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा, मान लीजिए ये वैल्यू है, मैंने क्लोजर x tends to x1 का मतलब ये अपने से assume किया ये वाला पॉइंट, तो f of that will be this somewhere else। And अगर राइट से अप्रोच कर रहा होगा x1, तो ये वाला पॉइंट आएगा, तो लिमिट क्या आएगी, तो ये वाली लिमिट आएगी और ये वाली लिमिट आएगी, दो तरह की लिमिट आएगी। लेकिन हम लोगों ने पढ़ा है कि x tends to x1 का मतलब होता है x is very close, बहुत आसपास है, तो आप सोचिए दोनों जो पॉइंट है ये फिर ऐसे मूव करेगा, इनसाइड आएगा, तो ये दोनों पॉइंट यहीं पर आकर मर्ज हो जाएगी, दैट्स कॉल्ड लिमिट अराउंड दैट पॉइंट। तो अगर मैं कहूँ, क्वेश्चन दूँ, लिमिट x टेंड्स टू टू x प्लस टू, तब क्या आंसर होगा? तो मतलब दो के आसपास, तो हम लोग टू प्लस डालेंगे, प्लस टू करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, फोर प्लस, मतलब हम चेक कर रहे हैं बस कि टू प्लस दो से जस्ट बड़ा क्या आएगा, चार, चार से जस्ट, अगर दो से जस्ट बड़ा डालेंगे तो चार से जस्ट बड़ा आएगा। सिमिलरली अगर 2 माइनस डालेंगे तो क्या आएगा, 4 से जस्ट छोटा। तो लिमिट के कहने का मतलब यही है कि 4 से जस्ट बड़ा या 4 से जस्ट छोटा, मतलब 4 के आसपास है, यही कहने का मतलब। जब लिमिट लग जाता है तो उसका मीनिंग वही हो जाता है कि लिमिट x टेंड्स टू 2x प्लस 2 विल बी 4 प्लस या 4 माइनस नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली 4 लिखेंगे, मतलब 4 के आसपास है, या तो 4 से बड़ा है या 4 से छोटा है। जब लिमिट लग जाता है तो दैट वैल्यू इज एग्जैक्ट। सिमिलरली अगर मैं बोलूं लिमिट कॉस ऑफ साइन एक्स एक्स टेंड्स टू जीरो, एक्स जब जीरो होगा तो जीरो डाल के देखिए, साइन जीरो जीरो, देन कॉस जीरो विल बी वन।
सो यहाँ पर लिमिट 1 हो जाएगा. साइन ऑफ 0 इज 0 एंड कॉस ऑफ 0 इज 1. सिमिलरली लिमिट x टेंड्स टू 2 x स्क्वायर माइनस 4 बाई x माइनस 2 इसकी बात करें तो आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, लिमिट x टेंड्स टू 2 x माइनस 2 x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 2. x टेंड्स टू 2 का मतलब x इज अराउंड 2 सो वी कैन कैंसल. ये 0 बाई 0 नहीं है, 0 अप्रोचिंग वैल्यू है, अप्रोचिंग वैल्यूज है सो इसको कैंसिल कर सकते हैं. अगर एग्जैक्ट 0 बाई 0 रहता तो नॉट डिफाइन होता, तो x टेंड्स टू 2 है तब इसको कैंसिल कर सकते हैं. तब ऐसे लिखा जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2 x प्लस 2. तो अभी हम लोगों ने निकाला है लिमिट x टेंड्स टू 2 x प्लस 2 इज नथिंग बट 4. तो इसका लिमिट जो है 4 आ जाएगा. यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 पर फंक्शन डिफाइन नहीं है, लेकिन 2 के आसपास जो है फंक्शन की वैल्यू कहाँ होगी, 4 के आसपास, या तो 4 से जस्ट बड़ी होगी या तो 4 से जस्ट छोटी होगी, ये कहने का मतलब है. सिमिलरली अगर ग्राफिकली देखें, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है. x प्लस 2 का ग्राफ कैसा होगा, एक स्ट्रेट लाइन. एट x इक्वल्स टू 2 एक होल होगा, कहे कि फंक्शन x इक्वल्स टू 2 पे डिफाइन नहीं है. तो यहां पर जब लिमिट समझना चाहें तो क्या होगा, लिमिट x इक्वल्स टू 2, 2 का मतलब 2 के आसपास वाले पॉइंट्स पे वैल्यू कितनी आ रही है. तो 2 के आसपास वाले पॉइंट्स पे देखना चाहें तो अगर मैं ये वाला पास वाला पॉइंट पकड़ रहा हूं तो ये वैल्यू आ रही है. अगर लेफ्ट वाला पकड़ रहा हूं तो ये वैल्यू आ रही है. लेकिन जब वेरी क्लोज होंगे तो दोनों एक साथ इसके आसपास आएगी, सो दैट विल बी अराउंड 4. सो अगर लिमिट ले लेंगे तो दैट विल बी 4. एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग दैट इज, अगर हम राइट से आए तो कुछ लिमिट मिलेगी, लेफ्ट से आए तो भी कुछ लिमिट मिलेगी. सो यहाँ पर हम लोग दो तरह के लिमिट देखते हैं, दैट इज लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट. कहने का मतलब यहाँ पे यही मैंने किया था, दैट इज राइट हैंड लिमिट, मतलब 2 प्लस यहाँ पे डाला मैंने, मतलब 2 से जस्ट बढ़ा लिया, दैट इज 4 प्लस. हमको आंसर कितना मिला इधर, आप देख सकते हैं ये 4 है, ये जो होल डाला हमने ये 4 है, ये 4 है, लेकिन 2 प्लस लिया तो 4 से जस्ट बड़ा मिला, 2 माइनस लिया तो 4 से जस्ट छोटा मिला, दैट इज दिस. ये 4 है, ये पॉइंट 4 से प्लस, ये वाला पॉइंट 4 माइनस. सो लेफ्ट हैंड राइट हैंड, लेकिन 4 प्लस 4 माइनस तो एकदम बराबर है, सेम है. 4 प्लस कहने का मतलब 4.00 1000 टाइम्स 0 एंड 1 एंड, और 4 माइनस का कहने का मतलब 3.9999000 टाइम्स 9, दैट इज इक्वल. तो यहाँ पर दो तरह की लिमिट्स आई, यहाँ पर भी लिमिट, यहाँ पर भी लिमिट. तो इसको बोलते हैं, एक को बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, एक को बोलते हैं राइट हैंड लिमिट. सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट के एग्जिस्टेंस की क्या क्राइटेरिया है. सो इफ यू हैव एनी क्यूरी रिगार्डिंग दिस प्लीज आस्क इन द कमेंट बॉक्स. थैंक यू.